Are you still very close to your mom? अच्छा आप कैसी हैं वो वाली हैं जो बहुत जाके अम्मा को गले लगाएंगी और बैठ के बस गप्पे लगाएंगी नहीं नहीं मेरी बात सुने और यू नो वो खाने के साथ साथ वो और यू द वन जो यू विल लव हर यू विल गेट हर टू शॉप लेकिन थोड़ा सा हाँ ठीक है ओके फ़ोन पे यू नो इतना ज़्यादा क्लोज नहीं आई एम किस तरह की बेटी आई एम एवरी थिंग ऑल काइंड्स ऑफ मूड्स ऑल टाइप्स ऑफ डॉटर्स आई एम लाइक दैट एंड मैं शुगल भी लगाती हूँ बहुत ज़्यादा चीखें भी मारती हूँ और जोक्स भी सुनाती हूँ और हम मचोर अडल्ट बातें भी करते हैं हमारा रिलेशनशिप बहुत एक दोस्तों वाला रहा है और शुरू से मैं जो भी गलतियाँ भी करती थी ना माई मॉम ऑलवेज यूज से आई एम योर फ्रेंड टेल मी एवरी थिंग तो मैं कुछ गलती भी करके आती थी ना तो मैं उनको बता देती थी कि मैंने ये कर दिया है सो इसलिए आई थिंक शी ऑल्सो पुट दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट इन मी When I came into the industry, कि ये कर लेगी थोड़ा सा उस तरह है ये संभाल लेगी And I was also a little mature, so for my age, तो उनको ये यकीन था but yeah, you know, जैसे आप कहते हैं ना कि पहले हम बात करते हैं कि छोटी एज में एंड एवरी थिंग सो आई थिंक तब से आई ऑल्सो रियलाइज दैट बिकॉज आई स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस टू बी द मैन ऑफ द हाउस सो एट फर्स्ट ना मैं गुम गई थी एज अ पर्सन आई डिडंट फाइंड माई सेल्फ इमीडिएटली मैं थोड़ी सी गुम गई थी इन टर्म्स ऑफ के मैं डूब गई थी काम में अच्छा पैसे कमाने हैं अच्छा दोस्तियाँ हो रही हैं लाइक यू गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन यू 20 इयर्स ओल्ड एंड सो हाँ दोस्त भी बन गए ये भी हो गया पैसे भी आए सो आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड सो आई बिकेम वो अब्बू नहीं होते जो सिर्फ पैसे कमा के घर लाते हैं उनसे बात करने की कोशिश करो तो वो सिर्फ काम की वो बन गई थी अम्बी के लिए वो बन गई थी एंड देन आई रियलाइज दैट आई हैव bigger shoes to fill yeah. I have to be a sister a father for my sister and I have to be a daughter and a friend for my mother that's true so I had to earn as well and also give them those emotions that were missing in the beginning so now I balance it out I'm like haan aapko kya chahiye acha tumhe advice bhi chahiye so you know balance it out ki haan dukhre bhi role hai lekin acha wo fulani gaadi ka time wo matlab wo bhi karna hai so I became a bit of a multitasker but ye aapne itni important baat boli hai mujhe lagta hai jab jo family separate hoti hain to jo jo bhi कॉम्बिनेशन हो चाहे फादर के साथ हो या ये आपने बहुत सही बात बोली है कि उस वक्त मल्टीपल रोल्स प्ले करने पड़ते हैं एज अ डॉटर ऑल्सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़रा ज़्यादा बढ़ गई कि द सपोर्ट दैट योर मदर नीडेड एट दैट टाइम वो आपको देनी थी एंड आई एम सो ग्लैड टू हेयर के बिकॉज आई थिंक प्रोसेस बड़ा नेचुरल है आपका जो आपने बोला कि यू वर लाइक नहीं मुझे तो कमाना है वो होता ही है ना आप समझते हैं स्ट्रांग है स्ट्रेंथ वहीं से पैसे से बट कभी कभी स्ट्रेंथ उस इमोशनल कनेक्शन में चाहिए होती है जो तो यू स्टिल कॉल हर अभी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से जाने से पहले दुआ क्योंकि यू यूज टू डू दैट मेरे लिए दुआ करें एवरी फ्लाइट एज वेल लिस्ट है लोगों की अम्मी बहन और बेस्ट फ्रेंड ओके इज़ा तीनों को कॉल करती हूँ मैं फ्लाइट पे बैठ रही हूँ मैं जा रही हूँ सो दीज पीपल आर माई सपोर्ट सिस्टम आई वॉन्ट देम टू बी देयर फॉर मी एंड आई बिलीव कि अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होगा या मैं कुछ गलत कर रही होंगी ना जिंदगी में दीज पीपल विल डेफिनेटली टेल मी सो जब तक ये मुझे नहीं कह रहे ना तो मैं ठीक हूँ जिस दिन उन्होंने कहना शुरू किया हानी तुम पागल हो रही हो तो उस दिन मैं कहूंगी कुछ मसला है मेरे साथ कभी तो आया होगा बहन का फोन बीच में एक दफा तो आएगा हानिया नहीं बहन का नहीं आया फिर किसके इज़ा का आया इज़ा का भी नहीं इज़ा का नहीं आया इज़ा को जाके कभी जब बताती हूँ ना वो पर्सनल इश्यूज होते हैं हाँ मैंने उसको इतने ये बोल दिया और मतलब वो वाली बातें होती हैं कि या एनीवे बट इज़ा पे बात लाएंगे हाँ इज़ा पे बात इज़ा आपको भी हेलो इज़ा 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 मुझे क्यों घसीट लिया बीच में हाँ इज़ा से सेलिब्रिटी इन हर ओन नाउ ना ऑफ कोर्स शी सिट्स एनीवेयर एंड पीपल आर लुकिंग एट हर एंड शी इज़ लाइक हनी आई डोंट साइन अप फॉर दिस आई वाज जस्ट योर फ्रेंड ओके व्हाट इज दिस आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सो शी डज ऑल ऑफ दैट ओके सो आपकी अम्मी का जो शादी का जोड़ा है That's your prized possession. Yes. So इतनी emotional type हैं आप और वही सोचा वही पहनेंगी शादी पे या क्या या बस वो करीब है दिल के वो करीब है दिल के कोशिश करूंगी पहन लूँ किसी एक इवेंट में तो घुसा दूंगी है किस तरह का वो गरारा है लहंगा है क्या है और किस कलर का लहंगा है रेड और ग्रीन कलर का a lot of gold calm on it wow. and it's very pretty and I just pata nahi mujhe pehen ke kaisa lagega because meri ammi ne jab pehna tha to wo bahut khoobsurat laga aap bhi bahut pyara lagega meri ammi bahut pyari lagti hai meri ammi bahut pyari hai to un pe acha bahut laga tha so
पता नहीं, बट यार एक ख्वाहिश है कि उनको पता है इस बात का, ये सारी बात जो हम ही कर रहे हैं, मैंने जबरदस्ती रखवाया नहीं करेंगी एक दफा कहती मुझे कमीज बना दो, नहीं कोई नहीं हाथ लगाएगा इसको, वो दुपट्टे की कमीज बन जाती है और उसका भी, तो वो कॉन्वर्सेशन हुई भी है हमारी, तो मैंने कहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इजी हो जाए। हाउ एम्पावरिंग इट इज कि इतनी यंग एज पे खुद को और फैमिली को फाइनेंस करना और ये करना कि हाँ मैं तो किसी के एहसान के नीचे नहीं हूँ, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है, वो फीलिंग क्या होती है? और पहले ये कर देते हैं फिर दूसरा सवाल पूछूंगी इसी का पार्ट भी। पहले तो आई थिंक थोड़ा पागल हो जाते हैं हल्का सा, ऑफ कोर्स यू यंग, यू अर्निंग योरसेल्फ, यू आर इन, ये दिमाग पे चढ़ जाता है? दिमाग पे नहीं चढ़ता, आई नेवर स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं कुछ हूँ, नहीं इन द सेंस ये नहीं, ये नहीं, बट वो एक मैं सोचती हूँ कि वो एक एम्पावरमेंट की फीलिंग आती है, बिल्कुल, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन एग्जैक्टली, या आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन बी एनीथिंग, ऑफ कोर्स, सो आई वेंट थ्रू दैट एज वेल, वेयर आई फेल्ट वेरी 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 एम्पावर्ड एंड वेरी स्ट्रांग, एंड बट आई थिंक द ओनली थिंग एट दैट टाइम दैट वुड ब्रिंग मी डाउन वाज इफ एनीवन कंप्लेंड अबाउट द वे आई वाज, माय पर्सनालिटी, यू नो, एंड दैट्स व्हाट वुड समटाइम्स मेक मी थिंक कि मैं क्या हो रहा है, क्या कुछ गलत है, but that's it, but that's how it was शुरू में। okay yeah. नहीं but empowering कैसा था, क्या feeling आती थी, क्या process था, उसको कैसे digest किया, जब पहली बार कुछ मिला तो उसको पैसे कैसे spend करने हैं और किसके अच्छा, लिए क्या लिया, वो खुशी क्या थी, मुझे लगता है छोटी छोटी चीजें होती हैं। बिल्कुल, जो पहला check या पहले पैसे थे जो पहली film के थे जानवान के, उड़ा दिए वो तो हल्के फुल्के ना उड़ा दिए, जितने एक्सपेंसेस थे उनके साइड पे करके उड़ा दिए, तो फिर समझ आए कि ओ मैंने तो अर्न करना है, नहीं ये तो गलत हो गया कुछ। फिर उसके बाद आई लर्नड के सेव कैसे करना है, एसेट्स कैसे बनाने हैं, बट लोगों पे बहुत पैसे लगाती थी हमेशा, ऑलवेज मेकिंग श्योर दैट यू नो माई फ्रेंड्स हैव एवरीथिंग, you know my family has everything, meri behan ke muh se koi baat nikli hai give it to her, because you know ammi abbu nahi kehte humne nahi kiya to tum kar lo, you know wo aap hamesha kehte hain ki mere paas nahi to hum chahte hain ki tum ye pad lo aur is tarah, so for me I was like that, I thought like that towards my sister ke whatever you want you know I'll get it for you, and alhamdulillah, and wo hum advice bhi main usko karti thi, hum baatein bhi bahut deep karte the like a sister like a friend, abhi bhi karte hain, so wo ek achhi bachchi nikli, although she is about 5 years younger than me, but I'm really proud of her that she got all the privileges, she got everything that she ever wanted, and she's still a very good bachcha, so that and I remember isse kahani, maine jo pehli dafa gaadi li thi na, meri pehli gaadi jo thi, कौन सी थी? आई वॉज अ करोला, ओके, अभी इस्लामाबाद में खड़ी हुई है, बट वन आई गॉट दैट, मुझे ना आई रिमेम्बर बाथरूम में बैठी हुई थी, TMI, टू मच इन्फॉर्मेशन, बाथरूम में थी एंड और मुझे ना खौफ आने लग गया, मुझे डर लगने लग गया कि आई डोंट डिजर्व दिस, वाई डू आई हैव सो मच मनी, अल्लाह मी इज़ प्रॉब्ली टेस्टिंग मी, मैं इसको सही तरह स्पेंड कैसे करूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, और मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि व्हाट हैव आई डन टू अर्न दिस, एंड इफ अल्लाह हैज गिवन मी दिस देन व्हाट डज ही एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी।